16 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चों अल्फारबे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है उनमें कौन सा विशेष गुण है। उत्तर है देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है, भल सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की, वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती। नंबर वार तो है ना, भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास जात की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है, तुम उनके यानी लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तुम पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं।
यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल, सुख के लिए वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं, क्योंकि वन वहाँ में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वन वहाँ में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाहा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो वनवाहा में है नहीं। लेकिन तुम वनवाहा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे, तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंच ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जिस स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। यह है याद, बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान है परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं है। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात
करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बिचारे अंधे हैं, अंधों को लाठी पकड़ाकर ले जाते हैं ना। यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल, यह चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते। तुम अभी जानते हो जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वहाँ बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है, न वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। सौदागर होना गायन है ना, बाप सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, यह भी तुम जानते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सब कोई शुरूर बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो, आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। उनका रूप है भलात्मा, छोटी है रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में
84 जन्मों का अविनाशी पाठ है, वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, यह पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। है बिंदी, बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो, तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए, राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे आप तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम, यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो, वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अभी हम वनवाहा में है, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरा, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान है याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता हजार गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है।
स्लोगन है जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। ओम।